ऑर्डर गाइस, दोबारा स्वागत है एक नई वीडियो में। भाई आज मैं जो तुम्हें बेशरम दिखाने वाला ना प्लेयर, भाई तुम इसको देखो। इसके दो करेक्टर्स 11 पे है और एक करेक्टर 10 पे है, और मैंने सारी 8 लेवल की टीम ले रखी है। मतलब बस मेरा लिंग है 9 पे, नहीं तो भाई तुम देखना यार इसको, मतलब हद ही पीट गई भाई। दो करेक्टर्स 11 पे है, इसके ध्यान रखना। फायर इसने बुलवक लिया है, मेरे को लगा था सार्ज लेगा, इसलिए मैंने ये ले लिया फायर गार्ड। पर चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं आयन क्लैड। भाई आयन क्लैड का तुम डैमेज देखो कि लेवल लेवल के प्लेयर को कितना डैमेज दे सकता है। ऐसे ज़्यादा दे नहीं पाएगा क्योंकि ग्रेट रिएक्शन है इसके पास, तो उसकी वजह से क्या है कि मेरा वो ये आग काम नहीं करेगी। पर भाई स्टार्टिंग में दिया थोड़ा हैवी किक इसने मारी, अब ये दोबारा। और देखो अभी मेरे को लग रहा है बिल्कुल सही प्लेयर है भाई, बिल्कुल मतलब सही प्लेयर आ गया। पर अभी इसके जलवे देखना तुम भाई। और ये शैडो फोर्ट्रेस ने बचा लिया, मैं जितना डैमेज दे सकता हूँ भाई। तुम देख रहे हो 11 लेवल का प्लेयर है वो, और डैमेज देखो भाई, इसको शैडो फोर्ट्रेस ही बचाएगा बस। और मतलब वैसे तो हार जाता है, मैंने रोल करने की कोशिश करी एक ही चीज भाई बार बार। वैसे तो मैं भी एक ही चीज कर रहा हूँ, पर ठीक है, ग्रेट रिएक्शन ज्यादा काम नहीं आता। गए तड़ा, 11 लेवल का प्लेयर खत्म 8वें लेवल के प्लेयर के सामने। तुम देख रहे हो फायर गार्ड भाई ओपी है भाई, इसको लेवल 10 पे करना है। ओके कीबो लाया, मेरे को लगा था सार्ज लाएगा पर कीबो लाया भाई। ठीक है अब तुम इसके जलवे देखो भाई, तुम जरा इसके ठीक है ध्यान से जलवे देखो भाई तुम इसके। फिर मैं भी कैंपिंग चालू कर दूंगा भाई, मतलब मैं भाई ऐसे ही अब कैंपिंग करके कैंपर्स को हराना है। मेरे को लगाता है पहले रेज मारेगा थोड़ा धीरे, मैंने सोचा इसमें ट्रायल काउंटडाउन में आ जाए पर ये आ नहीं पाया, पता नहीं क्या सूरत था, लौंडा खड़ा पड़ा है। मैंने की फाइटिंग करा, अब देखो अब जलवे चालू है। अब देखा तुम कीबो का ऑनस्लॉट उसको बहुत डैमेज कर देता है यार, मतलब दे देता है। यहाँ गया देख रो, मतलब मैं इसका ये प्लेयर भी खा गया था, बस थोड़ी दिक्कत ये हो गई कि उसके पास आफ्टर लाइफ थी तो इसने बच गया, नहीं तो कीबो भी खत्म थी भाई। 8 लेवल का प्लेयर 2 लेवल के प्लेयर्स को खा गया अपने ऊपर, एक तो 10 लेवल और 11 लेवल को, देख रहे हो लाइफ कितनी छोड़ी है, 20% मुश्किल से होगी। ओके अब मैं बुलवक लाऊं क्योंकि उसके रेंज अटैक कर रहा है बहुत, तो भाई ग्रेट रिएक्शन बचाएगा मेरे को। और जो बुलवक का हथियार है यार ये भी बहुत सही है वैसे देखा जाए तो। चलो भाई अब फेंको तुम रेंज, हम भी तैयार हो गए भैया, ऑन स्लॉट ऑन है उसका। मेरे को बुलवक का थोड़ा पता नहीं, ये दे भाई, ये कमांडो भाई सीखा था मैंने, ये कमांडो भाई बहुत करता है रिएक्शन भाई, बड़ी तगड़ी चीज है यार ये। सामने वाला शेडो कर रहा हो तो वो करो, देखो भाई हलवे चालू हो गए। पर भाई तुम जब एंडिंग देखोगे ना बुलवक की यार, वो इतनी अच्छी नहीं है दोबारा से, और ये खत्म देख रहे हो भाई। कमांडो भाई ने ये यूज कर करके मेरे को पागल कर रखा, और मैं भाई रैंक में इससे लोगों को पागल करूंगा। साज बचा है, 2 लेवल मेरे प्लेयर्स बचे हुए हैं। नहीं देखा जाए तो नूबड़ा भी है यार ये बंदा, बस कैंप भी ढंग से नहीं कर पा रहा यार। ये चीज है ना जो ये नीचे का फेंकता है, इससे मैं बच नहीं पाता हूँ पता नहीं क्यों। ग्रैब का मौका ऑलवेज मेरी कमजोरी, लिया नीचे का और ये फेंका, पर ग्रेट रिएक्शन ने बचा लिया और हील भी हो जाती है यार पता है बेसिक्स। और ये गया देखो, इसकी जो एंडिंग है ना सार्च के साथ वो बहुत वैसी है अनप्रिडिक्टेबल सी, तुम सोच नहीं पाओगे क्या हो गया मेरे साथ। मेरे को डैमेज ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि मेरा 8 लेवल का प्लेयर है और ये 11 लेवल का भाई बेशरम देख रहे हो। ये बस कमांडर प्रेस की उसमें है, एक और लगा नीचे का और डिफेंस फॉर द फॉलन एक्टिवेट। बंदे ने जंप कर लिया भाई, मेरे को लगाता है फंस जाएगा इसमें, पर ये फंसा नहीं, इसमें भी नहीं गया। चलो इसको डैमेज कम पड़ रहा है पता है, अगर मेरे प्लेयर्स का वो होता तो हो जाता। पर भाई तुम अभी देखना भाई कि ये जो इसका शैडो फोर्ट्रेस है ना बुलवक का भाई, इसको कैसी कैसी जगह पे बचा लेता है। ये मैंने गलती करी, मेरे को अगर रेंज अटैक कर दूँ। ये देखो पहला हील मिली शैडो फोर्ट्रेस से, रिवेंज फॉर द एलिक्टिवेट, तो मैं इसलिए थोड़ा पीछे हट रहा हूँ। और भाई पूरा खिचड़ेंगे भाई, पूरा लौंडे को जगह नहीं देंगे। पर भाई जो एंडिंग है ना बहुत मतलब ऐसी है, तुम कहोगे यार क्या भाई डूबड़ा है क्या ताऊ जी, ऐसी एंडिंग है ये देख रहे हो। अभी देखते रहो तो रेंज अटैक वो डॉच कर दे रहा है बहुत अच्छे से, मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया और ये खत्म देख रहे हो। अनप्रिडिक्टेबल भाई। अरे भाई चलो भाई लिंक को लाते हैं, चाचा जी को लाते हैं अपने, देखते हैं भाई क्या होता है। गाइस चलो भाई बताओ क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे। चल भाई चाचा ने पी ली दारू, निकाली तलवार, लेट्स गो। अरे को पता था पहले यही करेगा ये, मैं पूरा खिचड़ूंगा भाई। मेरे को वैसे लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हील था, कमांडर प्रेस हैवी
यस कमांडर प्रेस के साथ ऊपर का पेट वाला। और ये भाई मैं अकेला ऐसा नूबड़ा हूं ना जो इससे बच नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। मैंने फिर से हीलिंग लेने की जरूरत करी थी। और पता है लिंक की ये सबसे अच्छी बात है भाई कि ये बहुत देर तक शैडो फॉर्म में रह जाता है। गया भाई लौटना आरवीजी इंडिया बेशरम कहेंगा। दो प्लेयर 11 लेवल, एक प्लेयर 10 लेवल और 8 वालों से डर रहा है भाई। चलो गाइस आज के लिए इतना था, ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।